क्योंकि मैं केमिकल साइंस पढ़ता हूं और आपको नहीं पता कितनी डीप पढ़ता हूं, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज सून एज यू गेट मैरिड टू योर गर्लफ्रेंड योर डोपामाइन सेंटर विल गेट दैट डोपामाइन व्हिच यू रिक्वायर्ड नाउ यू विल नॉट गेट दैट गर्लफ्रेंड एनी मोर बिकॉज यू ऑलरेडी हैव इट. ये बाकायदा साइंस में आपको बता रहा हूं. A premarital relationship is bound and scientifically evident to give you post-marital affairs. शेख बड़ा important question है relationships के ऊपर. बहुत बड़ी वजह लोगों के depression की और hopeless होने की वो ये है कि कोई छोड़ जाता है उन्हें. You know, they get used, abused, they get dumped. खवातीन अगर होपलेस हो रही है ना तो मैं समझ सकता हूँ इस केस पे. मर्द लड़की को तलाक देने के बाद होपलेस हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आती. नहीं मर्द भी आजकल बड़े होपलेस हैं. मतलब तलाक नहीं जो रिलेशनशिप्स होते हैं किसी है? से दिल लगा लेते हैं उसके बाद शादी नहीं हो पाती या अच्छा. जो है वो बात नहीं बन पाती या कोई छोड़ जाए आपको. क्या होपलेसनेस में क्या क्या अभी कोई लड़की दुनिया में लड़की नहीं मिलेगी मुझे ये होपलेसनेस. यस यस ये होपलेसनेस है या इसे कहने के एक डिप्रेशन है कि अब मैं दिल कभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि दिल जब लगाया था तो तब वो सिला नहीं मिला. ठीक है मैं आई एग्री कभी ना लगाएं फिर दिल. हाँ आई एग्री मत लगाएं फिर. ओके पता है प्री मैरिटल जो है ना क्योंकि मैं केमिकल साइंस पढ़ता हूँ और आपको नहीं पता कितनी डीप पढ़ता हूँ. यहाँ तक इतनी डीप पढ़ता हूँ कि मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ एविडेंस के साथ कि ज्यादातर अमेरिकन न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट सिर्फ खुराफात बक रहे हैं अबाउट द इनर एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. कुछ ही हैं जो कि इस नहज पे हैं कि वो ढूंढ रहे हैं असल में. सो मैं आपको आसान सी बात बताता हूँ. पता नहीं क्यों इस पे जरीदे नहीं लिखे गए अमेरिका में कि जो प्री मैरिटल रिलेशनशिप है ना ये आपकी पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कि अगर आपका बड़ा अच्छा अफेयर चल रहा है ना तो शादी उतनी तबाह होगी आपकी. ओके क्योंकि आपने जो डोपामिन सेंटर डायलेट कर दिए ना पहले से ही वो शादी के बाद इतनी डोपामिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ओके ये एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी मैंने बोल दी है मगर मैं आपको आसान सी बात बता रहा हूँ. नहीं मैं ज्यादा आसानी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए फिर भी साइंस ही खोलनी पड़ेगी मुझे. मगर जो शादी के बाद आपके मामलात रहने ना अपनी बीवी के और बच्चों के साथ जो जो भी आपके अज़दवाजी निजी मामलात से लेके फाइनेंशियल और मुआशी और माशरती मामलात हैं वो टोटली डिफरेंट स्पिन के होते हैं. उसमें ना आप अपनी बीवी को ना बीवी आपको वो अटेंशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट फैसिनेशन दे सकती है. तो इंसान फिर जिस स्पीड से ट्रेन आके हिट करती है ना नकार नामे के फौरन बाद तीन एक महीने के बाद वो ट्रेन को कुछ स्टेशन ही नहीं मिलता कि कहाँ रुके भाई. कोई पैसेंजर ही नहीं है वो नौकरी पे गया हुआ है या फिर उसके और मसले हैं या बीवी को बच्चों की टेंशन है या सास को या ससुर को खुश कर रही है या फिर ये तो एक छोटा सा मामला है. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज सून एज यू गेट मैरिड टू योर गर्लफ्रेंड योर डोपामाइन सेंटर विल गेट दैट डोपामाइन व्हिच यू रिक्वायर्ड नाउ यू विल नॉट गेट दैट गर्लफ्रेंड एनी मोर बिकॉज यू ऑलरेडी हैव इट. ओके वंस यू हैव दैट गर्लफ्रेंड then your dopamine center will dilate more than what the girlfriend did. That's why you need another girlfriend now. So two girlfriends are gonna give you that dopamine. Hence the illicit relationship. Yeah, infidelity. Yeah. और ये लोगों को समझ नहीं आती कि premarital relationship causes extramarital relationship. Right. ये बकायदा साइंस में आपको बता रहा हूँ. A premarital relationship is bound and scientifically evident to give you post-marital affairs. So, क्योंकि आप खुद सोचे ना एक आप एक सेंट्री डायलेट हो गया उसको उतनी डोपामिन से तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलनी. तो मिल गई अब तो. So the conquest of that relationship was not about getting the woman. डोपामिन की शेख आपने बात की. डोपामिन सेंटर्स क्या होते हैं ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी. वक्त कम है ये लंबा लंबा लेक्चर है मगर ये इतनी सी बात बताऊं उसके पांच सेंटर हैं डोपामिन के. उनमें से एक सेंटर है सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का कि कोई चीज प्रोसेस शुरू किया वो खत्म हो जाए ना. सेंटर कहाँ पे होते हैं ये डोपामिन के सेंटर तो न्यूरॉन्स में होते हैं इनके कोई मस्कुलर सेंटर नहीं. सो न्यूरोनल सेंटर हैं सारे. सेरोटोनिन के भी न्यूरोनल हैं मगर
सेंटर होता क्या है, वो एक प्याला है जिसमें बस वो प्याला खुलता है तो दिमाग कहता है ये काम करना है, वही प्याला खुल गया, उसमें पानी जाता है तो प्याला बंद हो जाता है। ओके, जब अचीव कर लेते हैं वो चीज। हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने कार सर्विस करवानी है अपनी, ठीक है, तो डोपामिन सेंटर खुल गया अगर पॉसिबल है तो। अगर कार वॉश ही कोई नहीं है तो खुद धोनी पड़ेगी, तो जैसे ही वो गाड़ी कार वॉश की मुझे पता है करीब तो मेरा डोपामिन सेंटर खुल जाएगा। जो चीज पॉसिबल ना उस पर डोपामिन सेंटर नहीं खुलता। तो जैसे ही आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जाते तो पॉसिबिलिटी तो होती है तो वो लड़की, ठीक है, शादी तो हो सकती है किसी ना किसी तो लड़की से ही होनी आपकी, तो पॉसिबिलिटी होती है, सेंटर खुल जाता है आपका। जैसे ही शादी होती है ना आपका डोपामिन मिल जाती है आपको, ठीक है, और जैसे ही डोपामिन मिलती है उस प्याले में तो वो असल में शीशे का प्याला तो है नहीं, तो जैसे ही वो फुल होता है वो अपना साइज बढ़ा लेता है। अब उसको वो खातून डोपामिन उतनी दे नहीं सकती क्योंकि वो उतनी खातून है जितनी वो पहले थी, लेकिन उस सेंटर बढ़ गया, सेंटर का साइज ही बढ़ गया। अब मसल को प्रैक्टिस करेंगे तो मसल बढ़ जाएगा ना, तो बिल्कुल इस तरीके से सेंटर का टिश्यू है, सेंटर असल में टिश्यू होते हैं ना, वो टिश्यू बढ़ता है जब, तो अब वो लड़की बेचारी जितना मर्जी बंद थन ले वो रहती तो वही लड़की है, ठीक है। और यू बेटर अंडरस्टैंड, आई सी देयर अ लॉट, पाकिस्तान में भी मैंने बहुत मेरे अपने जो है ना जिन लोगों के साथ मेरे इस तरह के ट्रेनिंग एंड कोचिंग में कर रहा हूँ, दे कीप ट्राइंग अ लॉट ऑफ म्यूटेटेड टेक्निक्स के लड़के अपनी बीवी को और शोहर को खुलिए बदल रहे हैं किस तरीके से कि सम वेरिएशन शुड कम इन, और थेरेपिस्ट उनको साइकोलॉजिस्ट दो नंबर साइकोलॉजिस्ट उनको बता रहे हैं कि यार स्टार्ट प्रिटेंडिंग दैट ही इज समवन एल्स, यू नो दिस इज सच अ, ये होता है फिर गलत फलसफे को पकड़ के जाए तो फिर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू You इसका मतलब है कि डोपामिन का ताल्लुक एडिक्शन के साथ है, जो जी 100% या हर एडिक्शन का ताल्लुक डोपामिन के साथ है, जो कि सेल्फिश लेवल पे एडिक्शन हो, किसी को किसी की हेल्प करने की भी एडिक्शन हो सकती है, आदत ना वो ऑक्सीटोसिन की एडिक्शन है,